जीवन हमारा कैसा होना चाहिए जिसको देखकर दूसरों को भी अनुमोदना करने का मन हो, जिसको देखकर दूसरे को भी प्रशंसा करने का मन हो, जिसको देखकर दूसरे का भी सिर झुक जाए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। और हमने हमारे जीवन को कैसा बना करके रखा है, कितनी गंदगियों को भर के रखा हुआ है, कितने दुर्गुणों को भर के रखा हुआ है, कितनी गलत चीजों को भर के रखा हुआ है, एक बार जरूर देख लेना, एक बार जरूर दृष्टिपात कर लेना अपने आप के जीवन के ऊपर। जीवन हो तो ऐसा हो जहां दूसरे को भी झुकने का मन हो। अभी थोड़े दिन पहले हम जब समाधि मंदिर में रुके हुए थे, वहां गुरुदेव की जो लाइब्रेरी है, वो लाइब्रेरी के पुस्तकों को सभी श्रमण श्रमणी भगवंत मिल करके सुव्यवस्थित कर रहे, और व्यवस्थित करते करते एक पुस्तक हमारे हाथ में आई। समझना, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा जीवन कैसा हो जहां दूसरे का भी सिर अपने आप झुक जाए, ऐसा जीवन हमें बनाना है। आज का हमारा जीवन शायद ऐसा है जहां हमें हमारे खुद के जीवन को देख करके घिन आती है। एक पुस्तक हमारे हाथ लगी, उर्दू भाषा में लिखी हुई पुस्तक थी। हमें लगा के शायद विद्या विजय जी महाराज साहब, इंद्र विजय जी महाराज साहब के कोई संग्रह की पुस्तक होगी। हमने वह किताब को उठा करके साइड में रख दी। गुरुदेव को जाकर के दिखाया कि गुरुदेव ये किताब मिली है, अब उर्दू भाषा से अपना कोई नाता तो है नहीं, अपने को पता तो चलता नहीं है, संस्कृत हो तो शायद समझ जाए, प्राकृत हो तो समझ जाए, हिंदी इंग्लिश गुजराती हो तो समझ जाए, लेकिन उर्दू भाषा कैसे समझ में आए। गुरुदेव को ले जाकर के किताब उनके हाथों में थमाई कि गुरुदेव ये देखो, उर्दू भाषा की कोई पुस्तक मिली है। गुरुदेव ने उसको संभाल करके रख दी कि शायद कोई काम की किताब होगी। समझना, हमारे महापुरुष कैसे कैसे हो गए, कैसा उनका जीवन था, कैसे उनके सत्कार्य थे, कैसे कैसे लोगों को वो प्रभावित करते थे, हम सोच नहीं पाते। समाज के लोगों को कहा कि यहां कोई उर्दू पढ़ने वाला हो तो उनको बुला करके ले आओ, उनको दिखाए तो सही कि ये पुस्तक क्या है। और समाज के लोग मिल करके जो मस्जिद में मदरसा में पढ़ाते हैं, वो हाफिज को लेकर के गुरुदेव के पास आए। हमने उनके हाथ में पुस्तक थमाई, कहा कि पुस्तक जरा देखिएगा, हमें तो समझ में नहीं आता, हमें तो पता नहीं पड़ता क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप जरूर बता पाओगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है। वो हाफिज के हाथ में जब हमने पुस्तक थमाई और पुस्तक का जो प्रथम पेज था वो उन्होंने खुद पढ़ा, और पढ़ के उन्होंने ये कहा कि कोई विजय धर्मसूरी के बारे में ये उर्दू में पुस्तक लिखी हुई है। उर्दू भाषा में समझना, हिंदी में हो मान सकते हैं, गुजराती में हो मान सकते हैं, समझ सकते हैं, फॉरेन के विद्वान उनके पास आते थे, अंग्रेजी में हो समझ सकते हैं, लेकिन उर्दू भाषा में। गुरुदेव ने कहा आगे पढ़ो, लिखी किसने है, और तब जाके उसके भीतर जो उल्लेख आया वो सुन करके हमारी आंखें चार हो गई। उसके भीतर लिखा हुआ था कोई जैन मुनि ने नहीं, कोई लेखक ने नहीं, लेकिन सियालकोट जो पाकिस्तान में है, अभी पंजाब का जो पाकिस्तान है, उसके भीतर जो सियालकोट है, वो सियालकोट के मौलवी मोहम्मद मुनीर ने ये विजय धर्मसूरी जी की पुस्तक लिखी हुई है, ये पुस्तक हमें प्राप्त हुई। हम सोच सकते हैं कि जीवन कैसा होना चाहिए। एक मुस्लिम मौलवी जिनका जैन धर्म से कोई नाता नहीं,
जिनका जैन धर्म से कोई जुड़ाव नहीं, जो जैन धर्म के बारे में जानते नहीं, वो मोहम्मद मुनीर साहब मौलवी जी ने विजय धर्म सूरी के ऊपर पुस्तक लिखी, सियालकोट पाकिस्तान पंजाब में जो है वहां से उन्होंने लिख करके ये पुस्तक की 3000 नकल प्रकाशित करी, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। विजय धर्म सूरी जी का पूरा जीवन कवन उर्दू में, और जब देखा तब हमारी आंखें चार इसलिए हुई कि शायद हम समझते हैं वहां तक पिछले 200-500 साल के इतिहास में कोई जैन साधु का जीवन चरित्र उर्दू में लिखा गया हो, और वो लिखने वाला कोई जैन साधु नहीं, लिखने वाला कोई लेखक नहीं, लेकिन लिखने वाला एक मौलवी हो, ये हमारे जिन शासन के इतिहास में पहली घटना है। आप सोचो तो सही, क्या उनका जीवन रहा होगा एक मुस्लिम मौलवी को प्रभावित करना और वह अपने शब्दों में अपनी पुस्तक लिखे, इससे बड़ी जीवन के सिद्धि, जीवन की उपलब्धि और क्या हो सकती है। और ऐसे शिवपुरी के भीतर गुरुदेव का समाधि स्थल है, ऐसे शिवपुरी में जहां आपको दर्शन का लाभ प्राप्त होता है, और ऐसे विजय धर्म सूरीश्वर जी महाराज साहब का जब शताब्दी महोत्सव 9 सितंबर से 19 सितंबर के बीच में मनाने जा रहे हैं, हमें तो बड़ा आनंद होता है कि शायद यहां शिवपुरी नहीं आते, उनके जीवन को इतनी बारीकी से देख न पाते। हमने सुना था विद्वान है, हमने सुना था गुरुदेव महाज्ञानी थे, हमने सुना था गुरुदेव शास्त्र विशारद थे, लेकिन यहां आकर के जो उनकी किताबों को देखा, उनके शिष्यों के लिखी हुई, उनके द्वारा लिखित, उनके प्रशिष्यों के द्वारा लिखित करीब 150 से ज्यादा किताबें हमें उपलब्ध हुई, हमें प्राप्त हुई। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से कैसे कैसे उन्होंने भारत भर के नहीं दुनिया भर के पाकिस्तान जैसे प्रांत में भी लोगों को प्रभावित किया था, कैसे अद्भुत गुरु रहे होंगे, और ऐसे अद्भुत शास्त्र विशारद आचार्य भगवान श्रीमद् विजय धर्म सूरीश्वर जी महाराज साहब का शताब्दी महोत्सव आ रहा है, ये हमारे लिए बड़े आनंद की बात। प्रेम भक्ति आराधना प्रवचन के अद्भुत संगम से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें गुरु प्रेम मिशन की YouTube चैनल को, और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।